बच्चा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मोटी वाली हरी मिर्च, उसमें आलू भट्टे बनाऊंगी। और अगर आपने ये बनाया तो ये दावा है कि आप किसी और सब्जी से रोटी नहीं खाएंगे, सिर्फ इसी हरी मिर्च से खाएंगे। इसके लिए लिए हैं मैंने मोटी वाली हरी मिर्च, उनको अच्छे से धो लिया है, कपड़े से रगड़ रगड़ के पोंछ लिया है और उसके बाद उसको बीच में से चीर कर उसके बीजों को निकाल दिया है। और इस तरह हमने अपनी मिर्चें तैयार कर ली है। मिर्चें तैयार करने के बाद आलू को उबाला, छीला, उसको मसल लिया। मसलने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जरा सा हींग, जरा सा भुना हुआ जीरा और जरा सी सौंफ। बस अब इसको मिला लेंगे और मिर्चों में भरेंगे। अरे हाँ, इसमें अमचूर भी डलेगा और वो थोड़ा ज्यादा डलेगा क्योंकि हमारी मिर्चें चटपटी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको भर देंगे थोड़ा थोड़ा, इस तरह से दबा दबा के इसके अंदर ये आलू का हम मसाला भरेंगे। सारी मिर्चें भर ली हैं और कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब वर्षा लेगी सरसों का तेल, वर्षा का फेवरेट। हेल्थ और सेहत के दीवानों, स्वाद के चटकारों, अब इसमें डाल दीजिए आप अपनी हरी मिर्चें जो कि भरी हुई है विटामिन सी से, स्वाद से, आपके पाचन से, आपकी खुशी से, आपके खाने के स्वाद से, आपकी रोटी परांठे के स्वाद से। इसमें भर दीजिए कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल डालकर और इसको ढक दीजिए करीब करीब 3 मिनट तक। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। 3-4 मिनट हो गए हैं, देखिए ये सिक गई है। हाँ ये देखिए, बड़ी अच्छी सिक गई है। बस थोड़ा सा जिस साइड से सिक गई है ये ना, ये दूसरी साइड को इसको हल्के से पलट दीजिए। आहा, ये तो बड़ी अच्छी सिक गई है। 1 मिनट और इनको पलटे हुए हो गया है, मुश्किल से 4 मिनट लगे हैं। इतनी जबरदस्त मिर्चों में। अब आपको एक पराठा लीजिए, बासी रोटी लीजिए, पूरी लीजिए, कुछ भी लीजिए और उसके साथ मिर्चों को खाइए जरूर। मैं बता रही हूँ आपके मुंह से ना डाल टपकेगी और अड़ोसी पड़ोसी जो इसकी खुशबू जा रही है ना, इस कोरोना में भी भागते हुए आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, जरूर बनाइएगा, चटोरे चाट के खाइएगा। लेकिन मुझे याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा।